बालाघाट के बैहर में दादी की हत्या के बाद नाबालिग पोती की निर्मम हत्या से आदिवासी समाज में आक्रोश व्याप्त है। सर्व आदिवासी समाज द्वारा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति आयोग, गृह मंत्री, कलेक्टर बालाघाट के नाम बैहर SDM को आदिवासी नाबालिग बालिका के बलात्कार एवं हत्या के संबंध में कार्यवाही के लिए ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि दिनांक 3 मई 2024 को नाबालिग बालिका मृतिका की दादी की लाश संदिग्ध हालत में घर के कुएं में मिली थी, जिसके संबंध में नाबालिग पोती का माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 17 मई 2024 को बयान होना था, किंतु जब वह दिनांक 16 मई को शाम लगभग 7 बजे घर से दुकान जाने के नाम से निकली थी तो वापस घर नहीं आई। तब मृतिका की माँ और परिवार के सदस्यों के द्वारा गाँव में इधर उधर तलाश किया गया, किंतु कहीं पता नहीं चला। जबकि बेटी मृत हालत में लोरमी रोड से लगभग 100 मीटर अंदर वन विभाग के जंगल में पड़ी मिली, ऐसा प्रतीत होता है कि दादी की हत्या का साक्ष्य को छुपाने के लिए आदिवासी नाबालिग बालिका की निर्मम हत्या की गई है। पूरे देश में आदिवासियों के साथ में जिस प्रकार से अत्याचार और अपराध हो रहे हैं, और इसी प्रकार की घटनाएं जब देश में एक सामान्य वर्ग की लड़की के साथ में होता है, जिसका निर्भया कांड हुआ था, पूरा देश खड़ा हुआ था, पूरा समाज मानवीय दर्द को सह रहा था, लेकिन जब आदिवासियों का मामला आता है तो उस समय हमारी माता बहनों के साथ में जिस प्रकार का बलात्कार और अपराध होते हैं, उसके लिए और समाज में मानवीयता क्यों नहीं जागती, ये मेरा सारे मीडिया के माध्यम से सारे देश के समाज से एक सवाल है। और इस प्रकार से जो जघन्य हत्या और उसके साथ में बलात्कार हुआ है, जो नाबालिग बालिका थी और उसके साथ में ये जो जन आक्रोश पैदा हुआ है, कहीं ना कहीं न्याय पर से भरोसा हम समाज का उठ चुका है। और हमने आज ज्ञापन के तौर में इसलिए अल्टीमेटम दिया है कि हर बार की तरह इस बार हम अंतिम न्याय तक पहुंचेंगे। अगर शासन न्याय नहीं देती तो हमारा पूरा समाज मिलकर शासन प्रशासन के खिलाफ भी और उस अपराधियों के समाज के खिलाफ भी अपना कदम उठाएगा और उस अपराधी के घर में खुद बुलडोजर बन के जाएंगे और उसके घर को तोड़फोड़ करेंगे। ये हमने कदम उठाया, इसलिए अल्टीमेटम हमने आज प्रशासन को दिया है, क्योंकि यही न्याय प्रक्रिया में जो ये हमारा जो सिस्टम है, वो सिस्टम को हमारे प्रति गंभीरता होने की ज़रूरत है। अगर गंभीरता नहीं होती है तो अब करो या मरो की स्थिति में आदिवासी समाज आएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 75 सालों से सारे सरकारों को हमने देख लिए, सभी सरकारों ने हम लोग बहुत तरीके से लूटा है और हमारे साथ में जो जिस प्रकार के अमानवीय जो अपराध हो रहे हैं, इस अपराधों के प्रति वो गंभीरता नहीं दिखा रही है। अब सारे सिर से पानी उठ चुका है और हर समाज का हर व्यक्ति का आज खून खौल रहा है और वो कहीं ना कहीं अभी भी एक न्याय के लिए पूरे भारत के संविधान के ऊपर टिका हुआ है और इस संविधान के सिस्टम पे वो देख रहा है कि हमारे कब तक हमें संवेदनशीलता के साथ में हमें न्याय देगा। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में हम देख रहे हैं शासन को कि वो हम आदिवासियों के लिए क्या कर रहे हैं, नहीं तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, इतना हम धमकी देके जा रहे हैं।